हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ आकाश बायजू का एक बहुत ही फेमस टेस्ट, जो कि है IACST, यानी कि आकाश इंस्टेंट एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट 2023। तो दोस्तों, जो ये हमारा टेस्ट है वो आप लोग के सामने लाइव देने वाला हूँ। एंड जो दोस्तों ये टेस्ट है वो है फॉर क्लास 12th पास, यानी कि वैसे स्टूडेंट जो कि क्लास 12th का बोर्ड दे चुके हैं एंड पास हो चुके हैं, यानी कि आप लोग ड्रॉपर के तौर पे यहाँ पर आकाश में यहाँ पर एडमिशन लेना चाहेंगे। एंड फॉर मेडिकल स्ट्रीम का बात करें तो दोस्तों मेडिकल है, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा दोस्तों वो फॉर इंजीनियरिंग का होगा, क्लास 12th पास्ट एंड फॉर इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग करते हैं इस वीडियो का शुरुआत, एंड यहाँ पर हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुका है, एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों जो टेस्ट लैंग्वेज है उसको भी चूज कर सकते हो। दोस्तों जो टेस्ट लैंग्वेज है इसको आप लोग सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही बेनिफिट उठा सकते हो इसका। अगर आप लोग इसको ऑफलाइन में देने जाते तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज होता, वो होता इंग्लिश। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन में आप लोग को बेनिफिट के तौर पे दिया जा रहा है इंग्लिश प्लस हिंदी। देख सकते हैं अभी जो हमारा जनरल इंस्ट्रक्शन है इंग्लिश में, अगर मैं यहाँ पर हिंदी को क्लिक करता हूँ तो हिंदी में दोस्तों हमारा जनरल इंस्ट्रक्शन आ चुका है, एंड ऐसे ही क्वेश्चन भी आएगा। अगर आप लोग जिस टाइम पे चाहते हैं टेस्ट लैंग्वेज को चूज करना उस टाइम पर दोस्तों यहाँ पर आप लोग चूज कर सकते हो। अभी फिलहाल हम लोग इसको इंग्लिश रखते हैं, एंड यहाँ पर देख सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन। जनरल इंस्ट्रक्शन का बात करें दोस्तों तो यहाँ पर टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम का बात करें तो 60 मिनट है, टोटल 50 क्वेश्चंस होगा, एंड मैक्सिमम मार्क्स का बात करें तो 200। यहाँ पर जो दोस्तों आप लोग का पेपर है उसको 3 पार्ट्स में डिजाइन किया गया है। पार्ट ए में है फिजिक्स, सेकेंड पार्ट में है केमिस्ट्री, एंड थर्ड पार्ट में है बायोलॉजी। टोटल दोस्तों जो क्वेश्चन है इंडिविजुअल क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है, एंड यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग वाला नहीं है। तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर निगेटिव मार्किंग से डरना है नहीं। एंड फाइनली हम लोग करते हैं टेस्ट को स्टार्ट। तो दोस्तों फिजिक्स जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का वो है आप लोग के स्क्रीन पर, एंड ये हो गया ऑप्शन। यहाँ पर दोस्तों आई बटन का यूज आप लोग कर सकते हो। जो आप लोग का क्वेश्चन है दोस्तों सिंगल आंसर चॉइस है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होगा, मल्टीपल आंसर चॉइस यहाँ पर आप लोग को नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग इसको टेंशन मत लीजिए, एंड यहाँ पर हर एक आई बटन पर दोस्तों सिंगल आंसर ही होगा, तो बार बार आप लोग को आई बटन पर जाकर चेक नहीं करना है। एंड अभी भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर टेस्ट लैंग्वेज चूज कर सकते हो, देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा टाइमिंग चल रहा है, एंड जैसे ही 1 आवर होगा आप लोग का जो टेस्ट होगा वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। एंड अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के स्क्रीन पर है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। और दोस्तों एक बात, जो ये सब क्वेश्चन है आप लोग के, अगर आप लोग इस एग्जाम को फ्यूचर में देते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग मार्क कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोग का PYQ जैसा एक हो जा रहा है। तो आप लोग इसको इन सभी क्वेश्चन को बना सकते हो, एंड क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4। और दोस्तों अगर आप लोग फ्यूचर में एग्जाम देते हो तो ये भी हो सकता है कि कोई कोई क्वेश्चन डायरेक्ट मैच कर जाए, एंड इस तौर से आप लोग के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डेट इज क्वेश्चन नंबर 5th। एंड यहाँ पर इसको अगर मैं चाहता हूँ रिव्यू करना तो दोस्तों मैं यहाँ पर रिव्यू को भी टिक कर सकता हूँ, यानी कि जब मैं इस एग्जाम को यानी कि इस टेस्ट को एंड करूंगा तो मुझे एक दोस्तों यहाँ पर रिव्यू का ऑप्शन भी मिलेगा। एंड करने से पहले मैं यहाँ पर इंडिविजुअल क्वेश्चन को चेक कर सकता हूँ, अगर मान लीजिए आप लोग यहाँ पर डाउट है तो दोस्तों आप लोग रिव्यू कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के स्क्रीन पर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। 7 का दोस्तों ये हो गया क्वेश्चन, एंड इसके बाद ये हो गया ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10,
इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन एंड ये रहा फिफ्टीन। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर हमारा 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं फिजिक्स से। अब बात आता है हमारे केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ, हालांकि मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 जो कि केमिस्ट्री है वो ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ये हो गया दोस्तों ऑप्शन एंड ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो 30 का दोस्तों ये हो गया क्वेश्चन एंड इसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन। तो नेक्स्ट दोस्तों हम लोग क्लिक करते हैं एंड अब हम लोग आ जाते हैं बायोलॉजी पे। तो बायोलॉजी से टोटल दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 30 से लेकर 50 तक, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पर बायोलॉजी से पूछे गए हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 15 15 क्वेश्चन एंड बायोलॉजी में टोटल 20 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41 का दोस्तों ये यहाँ पर हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना है एंड ये हो गया ऑप्शन। तो 42, 43, 44, 45, 44, 46, 47। दोस्तों अगर आप लोगों को 47 पर है एंड अगर आप लोगों को 46 पर जाना है तो यहाँ पर प्रीवियस का बटन क्लिक करके यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग जा सकते हो 46 पर। तो 47 हो गया ये एंड 48, 48 एंड दोस्तों सपोज करिए कि 48 का आंसर डी होगा। तो मैं यहाँ पर डी क्लिक किया हूँ तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बायो में हमारे यहाँ पर 5% कंप्लीट हो चुका है। एंड मैं अगर यहाँ पर क्लिक नहीं करता हूँ यानी कि ऑप्शन को चूज नहीं किया हूँ तो देख सकते हैं 0%। हालांकि हम लोग यहाँ पर अभी 0% ही रहने देते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोग को कोई भी ऑप्शन को टिक किए बिना देखना चाहता हूँ कि कितना परसेंट मुझे वेवियर मिलता है। तो अभी तक कोई भी दोस्तों ऑप्शन क्लिक नहीं किया है। 48 हो गया एंड नेक्स्ट वन 49, 50, लास्ट वन दोस्तों हो गया 50। एंड यहाँ पर देख सकते हैं सबमिट का बटन आ चुका है। तो अब हम लोग करते हैं यहाँ पर अपने टेस्ट को सबमिट। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 50 क्वेश्चंस था, नॉट आंसर दोस्तों 49 है एंड मार्क फॉर रिव्यू 1। मार्क फॉर रिव्यू भी दोस्तों मैं यहाँ पर उसको जो ऑप्शन होता है उसको चूज नहीं किया था, सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू है। एंड यहाँ पर अब हम लोग करते हैं सबमिट।
तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है एंड चेक कर लेते हैं कितना परसेंट वेबियर मिला। तो फिर भी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 15% वेबियर मिला है। तो दोस्तों जो आप लोग डरते हो कि कितना मार्क्स आएगा तो कितना वेबियर मिलेगा, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। देख सकते हैं आप लोग के सामने मैं कोई भी ऑप्शन को टिक नहीं किया था, फिर भी यहाँ पर मुझे 15% वेबियर मिल रहा है। तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो कि क्या हो रहा है एंड क्या नहीं। तो फाइनली आप लोग यहाँ पर टेस्ट दोस्तों चल रहा था, तो आप लोग गूगल भी कर सकते थे, लेकिन ये दोस्तों मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग गूगल ही करो, आप लोग खुद से भी यहाँ पर अपना पोटेंशियल चेक करने के लिए दे सकते हो टेस्ट एंड खुद से ही देना चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो होगा, यहाँ पर मेडिकल है तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो होगा इंजीनियरिंग एंड 12th पास वालों के लिए ही होगा। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।